नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान उत्थान कार्यक्रम और मैं हूं आपके साथ अर्चना कौशल। किसान उत्थान कार्यक्रम में आज बात किसानों को मिलने वाली योजनाओं की करेंगे कि कैसे मनोहर सरकार किसानों की फसलों को एमएसपी पर खरीद रही है, जिससे किसानों को कितना अधिक फायदा मिल रहा है। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं। प्रदेश में किसानों की समस्या किसी से छिपी नहीं है, जिसे दूर करने का दावा हर सरकार करती आई है जो हरियाणा के इतिहास में सत्ता के सिंहासन पर काबिज हुई है। चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक पार्टियां किसानों से लोक लुभावने वादे कर सत्ता के सिंहासन तक तो पहुंची, लेकिन अन्नदाता की मुश्किलें वहीं खड़ी रहीं जहां से शुरू हुई थी। साल 2014 के विधानसभा चुनाव में भी किसानों का मुद्दा जोरों पर था। किसान अपने खेत छोड़कर सड़कों पर उतरने को मजबूर थे, जिसे पिछली सरकार समझने में देर कर रही थी। लेकिन तभी बीजेपी किसानों के साथ खड़ी हुई और किसानों को भरोसा दिलाने में सफल रही कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार आते ही किसानों की समस्याओं को पहली प्राथमिकता में शामिल किया जाएगा, जिसका परिणाम साफ तौर पर चुनाव बाद देखने को मिला। बीजेपी पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आई, लेकिन अब बीजेपी के पास चुनौतियों की भरमार थी, जिनसे लड़ते हुए सरकार को उन सारे वादों को पूरा करना था जिसे वो चुनाव से पहले जनता से कर चुकी थी। ऐसे में केंद्रीय नेतृत्व ने अपनी भूमिका निभाते हुए प्रदेश की कमान साफ और बेदाग छवि के नेता मनोहर लाल के हाथों में सौंप दी। मनोहर सरकार का दावा है कि शपथ ग्रहण के साथ ही किसानों के हित में काम शुरू कर दिए गए। प्रदेश में किसानों के लिए कई हितकारी योजनाएं चलाई गईं, जिससे हर वर्ग के किसान को लाभ पहुंच सके और आज प्रदेश का किसान खुशहाल दिखाई दे रहा है। बात किसानों की है, 2022 तक हर किसान की आय डबल हो, ये हमारे प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है और उस लक्ष्य की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए जितनी भी उनकी कठिनाइयां हैं उनको दूर करने के लिए, चाहे खाद की हो, बीज की हो, बिक्री की हो, एमएसपी की हो, एमएसपी में 50% कम से कम लाभ उनको मिलना चाहिए, इस प्रकार की योजनाएं बनाई गई हैं। और प्रोक्योरमेंट के नाते से हरियाणा एक ऐसा प्रांत है जिसने 9 फसलें अपने एमएसपी प्रदेश सरकार की योजना से की है, खरीदारी की है, आसपास किसी और प्रदेश ने नहीं की है। गेहूं धान के अलावा चाहे बाजरा हो, कपास हो, चाहे मक्का हो, इन सब मूंगफली हो, मूंग हो, इस प्रकार की फसलों को भी एमएसपी पर हमने खरीदना शुरू किया है। साथ ही सब्जियों में भावांतर भरपाई योजना कि किसी प्रकार का अगर लॉस होता है, घाटा होता है, तो उसकी भरपाई सरकार करेगी। बीमा में जहां प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई, वैसे ही मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना, इसको हमने लागू किया है ताकि सस्ती दरों पर, प्रीमियम पर उसको बीमा करवाने का ये मौका मिल जाए। इसी प्रकार एमएसपी यानी प्रोक्योरमेंट के बाद किसान के खाते में सीधी पेमेंट जाए, ये भी हमने लगभग 50% किसानों को इस बार सीधी पेमेंट की है। जितनी उनकी सब्सिडीज हैं, बेनिफिशरीज जो हैं, उनको सीधा उनके खाते में डीबीटी के पैसे भेजने शुरू किए हैं। प्रदेश के किसानों के सामने जो सबसे बड़ी समस्या है वो है खेती में लागत को कम करना। एक तरफ मौसम की मार तो दूसरी ओर फसलों की सही कीमत न मिलने से अन्नदाता की कमर टूटने लगी थी। लेकिन इन परेशानियों से किसानों को बाहर कैसे निकाला जाए, मनोहर सरकार के सामने बड़ी चुनौती थी, जिसे ध्यान में रखते हुए कई कदम उठाए गए, जिसमें एमएसपी से किसानों की आय को दोगुना करना भी शामिल है। ऐसा काम करने वाले लोगों को कभी कभी प्राकृतिक आपदा को सहन करना पड़ता है। हमने उसके लिए राशि 12,000 रुपया प्रति एकड़ की बजाय ये 15,000 रुपया की है। 11 फसलें हम जो है एमएसपी पर, 14 फसलें हम एमएसपी पर खरीद रहे हैं और इससे भी किसानों को बहुत राहत मिली है। अभी कल ही हमने गन्ने के किसानों की मांग के ऊपर 10 रुपए की राशि बढ़ा करके और 372 रुपए प्रति क्विंटल गन्ना ये खरीदा जाएगा, ऐसी भी हमने घोषणा की है। प्रदेश में किसान मनोहर सरकार की ओर से चलाई जा रही योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। दरअसल किसानों की एमएसपी में बढ़ोतरी को लेकर लंबे समय से मांग थी। किसानों की हमेशा ये शिकायत होती थी कि उनकी फसलों का बाजार में उचित मूल्य नहीं मिलता है, जिसे देखते हुए मनोहर सरकार ने एमएसपी में बढ़ोतरी का फैसला लिया। गेहूं और बाजरे के एमएसपी में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी की गई। इतिहास में पहली बार बाजरे का भाव गेहूं से ज्यादा किया गया।
गन्ने का भाव 372 रुपए प्रति क्विंटल कर किसानों को बड़ा तोहफा दिया गया। आखिर किसान का भी एक हितैषी बनकर के हमको सोचना होता है कि उसकी भी कीमत जो है बुआई की कुछ ना कुछ तो बढ़ी है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए एक संतुलित एक व्यू लेकर के उन्होंने आज रिपोर्ट दी है कि 370 रुपये और रेट किया जाए, यानी 362 पहले था, 8 रुपये और बढ़ाया जाए। लेकिन फिर स्वयं विचार करते हुए कि 8 रुपये की बजाय एक राउंड फिगर 10 रुपये बढ़ाने का और हमने निर्णय लिया है, अर्थात इस बार 372 रुपया ये रेट होगा, ये आज से और ये एक प्रकार से घोषणा की है, तो इस वर्ष का जब से मिले चालू हुई है ये उस पर लागू होगा। हरियाणा की मनोहर लाल सरकार ने साल 2018 की शुरुआत किसानों के लिए एक खास योजना से की। ये योजना प्रदेश के उन सैकड़ों किसानों के लिए थी जिन्हें आलू, प्याज, टमाटर और गोभी जैसी फसलों को लागत से कहीं कम दामों पर बेचने को मजबूर होना पड़ता था। प्रदेश सरकार ने फैसला किया कि वो बागवानी किसानों को सब्जियों की कीमतों में असाधारण गिरावट के समय संरक्षित मूल्य देगी, जिसके लिए मनोहर सरकार ने भावांतर भरपाई योजना की शुरुआत की और इसी के साथ हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य बना जिसने इन सब्जियों के लिए किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया। वाला है जितनी लागत है लगभग उसका डबल मिलेगा, और ऐसे नहीं की घोषणा करते हैं केवल, हम उसको एक एक दाना खरीदने की व्यवस्था करते हैं। हमने पिछले सीजन में बाजरा, सरसों, सूरजमुखी जो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं खरीदती हमने खरीदा, और उसके बाद सस्ते में बाहर अगर बिका तो सरकार ने उसका घाटा खाया, 701 करोड़ रुपए का घाटा हमको हुआ है। हमने कहा नहीं, किसान को लाभ होना चाहिए, सरकार का घाटा हो जाए कोई बात नहीं। हमने भावांतर भरपाई योजना चलाई जिसमें कहा कि किसान को पूरा दाम मिले, घाटा होगा तो सरकार का, ऐसी योजना दुनिया में देश में कहीं नहीं है। अन्नदाता के सामने प्राकृतिक आपदा एक बड़ी समस्या रही है जिसे अब तक की सभी सरकारें मानती आई हैं, और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अब तक की सभी सरकारों ने इसके लिए कदम भी उठाए हैं। लेकिन यहाँ ये कहना गलत नहीं होगा कि पिछली सरकारों की ओर से उठाए गए कदमों से किसानों को सही लाभ नहीं मिल सका। प्रदेश के कई किसानों ने उस दिन को भी देखा जब उनके साथ बीमा राशि के नाम पर मजाक किया गया। प्रदेश में पिछली सरकारों के दौरान कई किसानों को फसल नुकसान होने की स्थिति में महज 2-4 रुपए का चेक थमा दिया जाता था, जिसे किसानों ने अपने साथ हुए मजाक के तौर पर लिया। ऐसे में किसानों में सरकार के प्रति नाराजगी स्वाभाविक थी। वहीं अब मनोहर राज फसल बीमा योजना को लेकर सरकार के प्रति किसानों का भरोसा बढ़ता दिख रहा है। भावांतर भरपाई योजना में जैसे मैंने बताया सब्जियां, 19 प्रकार की सब्जियां हैं जिनका भावांतर भरपाई योजना में बागवानी फसलों में लागू होती है। पिछले 1.5 साल में 10,11,00,000 रुपए की राशि ये हमने किसानों को बांटी है। पंजीकरण इसमें करवाया कुल मिला के 58,000 किसानों ने, और ये लाभ लिया 4,187 किसानों ने, क्योंकि लाभ उसी स्थिति में वो लेगा जब उसका मार्केट भाव से, यानी उसकी जो कीमत कॉस्ट जो उसकी आई है, कॉस्ट ऑफ सोइंग पैदा करने की, उससे भी कम अगर मार्केट रेट हो गया तब उसको हम भरपाई देते हैं। प्रदेश के अन्नदाता अब न सिर्फ फसल बीमा का लाभ उठा रहे हैं बल्कि उन्नत खेती के जरिए फसलों की पैदावार भी बढ़ा रहे हैं। किसान अब परंपरागत तरीके से खेती को छोड़ नई टेक्नोलॉजी से खेती करने पर बल दे रहे हैं। बता दें कि वर्तमान सरकार के सफल प्रयासों का ही नतीजा है कि आज हरियाणा में फसल उत्पादन में काफी बढ़ोतरी हुई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का किसान प्रेम किसी से छुपा नहीं है। दिन रात मुख्यमंत्री मनोहर लाल किसानों के हित में काम कर रहे हैं। प्रदेश की मनोहर सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है जिसका फायदा किसानों को मिलता भी नजर आ रहा है। कुल मिलाकर मनोहर राज में किसानों के मनोहर दिन आए हैं, ये कहना बेईमानी नहीं होगा। प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल किसानों के हित में कई ऐसी योजनाएं चला रहे हैं जिसका फायदा किसानों को मिलता दिख रहा है, जिसका बदलते आवाम के दिलों में मनोहर सरकार के प्रति भरोसा बढ़ा है। यही नहीं, किसानों की आय दोगुनी करने के साथ उनके आर्थिक, मानसिक और सामाजिक कष्टों को दूर करने के लिए मनोहर सरकार लगातार प्रयासरत है। चलिए दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।